नमस्कार दोस्तों, टैक्स सपोर्ट प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है और हमारी कोशिश यही रहती है जब भी कोई अपडेट आता है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए तो सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें जिससे कि आप अप टू डेट रहें। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनर्स है, इस तरह के रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चले चलते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, अपडेट निकल के आ रहा है, जीएम सिद्धेश्वर जी ने जो है एक लेटर लिखा, एक पत्र भेजा है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं और यहां पे देख सकते हो उन्होंने जो लेटर पत्र भेजा है वो भेजा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, होनेबल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली 110011। और इस लेटर में, इस पत्र में क्या भेजा है बाकी आप देख सकते हो, आपके सामने है और यहां पे मैं पढ़ के सुना देता हूं। इसमें लिखा है कि रेस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट है इसका रिक्वेस्ट टू लुक इनटू द इश्यू ऑफ ईपीएस 95 पेंशनर्स। ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो मांगे है उसके संदर्भ में जो है लेटर लिखा है यहाँ पे। इसमें लिखा है कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर काइंड सेल्फ टुवर्ड द मेमोरेंडम सबमिटेड बाई एसोसिएशन ऑफ फार्मा प्रोफेशनल रिगार्ड टू द अबोव सब्जेक्ट विच नीड्स योर काइंड इंटरवेंशन। द इश्यू रेस्ड बाई द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन जनरली अफेक्टिंग ईपीएस 95 पेंशनर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आई रिक्वेस्ट योर काइंड सेल्फ फॉर ए री लुक into this matter. Organization request are following. यहाँ पे पहला जो है to increase the minimum pension amount to ₹7,500 with DA relief. Second, to withdraw an EPFO notification date 31/5/2017 which in violation of the Honorable Supreme Court order dated 4th October 2016 in SLP number of 2015. The withdrawal of the order will permit retirees to receive enhanced pension based on their last salary draw. Number 3, to bring EPS 95 pensioners under Ayushman Bharat Insurance Scheme. Number 4, to provide an one-time opportunity for non-EPS 95 pensioners to enroll in the scheme. I am forwarding here with the representation received from them. I once again request you to look into their piece and do the needful with warm record. यहाँ पे उन्होंने जो है अपने signature यहाँ पे किए हैं। तो इस लेटर के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो मांगे हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कम से कम जो है ₹7,500 प्लस उसके साथ जो है महंगाई भत्ता दिया जाए, ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया अंतरिम पत्र दिनांक 31/5/2017 को रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वास्तविक वेतन व महंगाई पर पेंशन दी जाए। इसके साथ साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स को जो है आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसकी योजना का उनको लाभ दिया जाए और जो ईपीएस 95 पेंशनर्स जो इस स्कीम में शामिल नहीं है उनको जो है इसमें शामिल किया जाए। तो इन सभी मांगों के लिए जो है ये लेटर भेजा है, पत्र भेजा है, ये जो भेजा है जितेंद्र सिंह जी को जो कि है होनेबल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। और यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है लगातार जो है सांसदों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, मुख्यमंत्रियों के माध्यम से और जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को जो है लेटर भेज चुके हैं और उनसे जो है मुलाकात भी कर चुके हैं। उनकी जो मांगे हैं ₹7,500 मिनिमम पेंशन प्लस महंगाई भत्ता और जो है लगातार सरकार पर जो है लगातार दबाव बनता जा रहा है। यहाँ पे जो है सीबीटी की सदस्यों ने भी जो है अभी इनकी मांगे जो है उठानी शुरू कर दी है कि जो है मिनिमम पेंशन को जो है बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए। और आने वाली टाइम में जो है देखने वाली बात ये होगी कि जो है दिसंबर में ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग है, वहां से क्या अपडेट निकल के आता है, बाकी सरकार की तरफ से क्या अपडेट, सरकार क्या निर्णय लेती है, आने वाली वीडियो में आपके साथ सारे अपडेट वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।